Good morning, everyone. My name is Mamta Verma, Assistant Professor Commerce, and I will be teaching you Fundamentals of Insurance. Book जो हम follow करेंगे वो है VK Publications की Fundamentals of Insurance Semester 6th के लिए आलोक गोयल और मृदुला गोयल की. तो एक बार पहले syllabus देख लेते हैं हम. पेपर का पैटर्न वही है आपका. 9 क्वेश्चंस टोटल. क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी, जिसमें 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे 4 मार्क्स ईच के, और बाकी 8 क्वेश्चंस आपके बाकी सिलेबस से होंगे, जिसमें से 4 क्वेश्चंस आपको करने हैं. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे सिलेबस में है क्या. सबसे पहला जो पैराग्राफ है दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल इंश्योरेंस, purpose, need and principles of insurance, insurance as a social security tool, insurance and economic development. ये first paragraph है आपके syllabus का. second paragraph जो है that is contract of life insurance, जिसमें हम पढ़ेंगे principles and practices of life insurance, parties to the contract, their rights and duties, conditions and terms of policy, effects of non-compliance, nominations and assignment practices in connection with collection of premium, revivals, loans, surrenders, claims, bonuses and annuity payments, present structure and growth of life insurance in India, claims settlement procedure. Third jo hamara paragraph hai that is fire insurance, jisme aap study karenge principles of fire insurance contracts, fire insurance policy, conditions, assignment of policy, claims settlement procedure, then marine insurance policy and its conditions, premium, double insurance, assignment of policy warranties, voyage, loss and abandonment, partial losses and particular charges, salvage, total losses and measures of indemnity, claims settlement procedures, then accident and motor insurance, जिसमें हम पढ़ेंगे पॉलिसी एंड क्लेम्स सेटलमेंट प्रोसीजर्स, देन इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, रोल ऑफ एजेंट्स एंड प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एन एजेंट, कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस, रेवोकेशन, सस्पेंशन, टर्मिनेशन ऑफ एजेंट अपॉइंटमेंट, कोड ऑफ कंडक्ट एंड अनफेयर प्रैक्टिसेस. अब यहाँ पर आप देख रहे हैं टोटल सिलेबस में जो आपके पैराग्राफ्स हैं दैट इज 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका ये सिलेबस होता है हर एक पैराग्राफ में से एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्वेश्चन जब हम एग्ज़ाम की बात करते हैं. तो यहाँ पर 6 पैराग्राफ्स हैं और क्वेश्चंस आपके टोटल 9 आते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन तो पूरे सिलेबस से आता है, बाकी 8 क्वेश्चंस आपके बाकी रिमेनिंग सिलेबस से आते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 पैराग्राफ्स है. इट मीन्स एवरी पैराग्राफ से एक क्वेश्चन तो आप एक्सपेक्ट करेंगे ही करेंगे. इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चन बचे, 2 क्वेश्चंस बचे 8 में से, वो आप किसी भी एक पैराग्राफ से 2 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि किसी भी पैराग्राफ से 2-2 क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो अब इसी सिलेबस को जब हम अपने चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो टोटल 6 चैप्टर्स आपके हैं. पहला है इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस, देन लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मैराइन इंश्योरेंस, एक्सीडेंट एंड मोटर इंश्योरेंस एंड इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज. और हर एक चैप्टर से आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा. तो ये था हमारा सिलेबस. तो शुरू करते हैं हम चैप्टर नंबर 1. फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा दैट इज इंट्रोडक्शन टू इंश्योरेंस. इंश्योरेंस होता क्या है? इन जर्नल अगर हम नॉर्मल वर्ड यूज़ करते हैं इंश्योरेंस, तो जो पर्सन अगर एक लेमैन को हम पूछेंगे तो वो कहेगा कि सेफ्टी है, कि अगर आपको कुछ भी ख़राब हो गया, कुछ भी डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी रीज़न की वजह से जिसके लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो उसका लॉस इंश्योरेंस कंपनी आपको पे कर देगी. डिफरेंट परसेप्शंस लोगों के बीच में है इंश्योरेंस की. कोई कहता है ज़रूरी है, कोई कहता ज़रूरी नहीं है. तो क्या है इंश्योरेंस, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसकी नीड्स हैं, ये सारा कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे. डिफरेंट टाइप्स के रिस्क एक पर्सन को होते हैं. ह्यूमन लाइफ
अनसर्टेन है, फ्यूचर में क्या होगा आपको नहीं पता। डिफरेंट टाइप्स के रिस्क हो सकते हैं, डेथ, एक्सीडेंट, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक एक्सेट्रा जैसे बहुत सारे रिस्क हैं। और ये नॉर्मल नेचर है पर्सन का कि हर एक पर्सन अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो रिस्क से प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जो आंसर है कि कैसे मैं अपने अपने आप को रिस्क से प्रोटेक्ट करूं, अनसर्टेनिटी से प्रोटेक्ट करूं, वो है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस आपको रिस्क से प्रोटेक्ट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? इंश्योरेंस इस चीज के लिए गारंटी नहीं देता कि आपका जो भी वो रिस्कफुल इवेंट है वो होगा ही नहीं। वो सिर्फ इतना कहता है कि अगर ये रिस्क हुआ तो उस रिस्क में जो भी आपको लॉस होगा मैं उससे आपको प्रोटेक्ट करूंगा, कि मतलब कि जितने का भी आपको लॉस होगा मैं वापस वही चीज़ आपको वैसी की वैसी बन जाए आपकी वो चीज़, उसके लिए आपको मैं कंपनसेट करूंगा। लेकिन इसमें भी एक चीज है, यहाँ पे दो चीजें हैं। एक, जब हम इंश्योरेंस नॉर्मल जर्नल लाइफ में हम बात करें तो दो तरीके के इंश्योरेंस हम देखते हैं, एक है लाइफ इंश्योरेंस और एक है नॉन लाइफ इंश्योरेंस जिसे हम कहते हैं। तो जो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस में किसी पर्सन की अगर लाइफ के लिए आप इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसको आप एग्जैक्टली वैसे का वैसा नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ इतना कर सकते हो कि उस पर्सन के ऊपर जितना डिपेंडेंट पर्सन दूसरा है, जिस चीज के लिए डिपेंडेंट था वो उस चीज के लिए डिपेंडेंट जो अमाउंट है, जिस अमाउंट के लिए उसके ऊपर डिपेंडेंट था वो उसको पे कर देंगी, ताकि आपका जो लाइफस्टाइल है वो वैसे का वैसा चलता रहे। उस पर्सन की कमी आप पूरा उसमें नहीं कर सकते। तो यहाँ ये चीज पे डिफरेंट है। तो इंश्योरेंस एक्चुअल में होता क्या है? डिफरेंट पर्सन इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस भी चीज के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं, जिस भी रिस्क के लिए इंश्योरेंस ले रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि वो जो रिस्क जिसके लिए वो इंश्योरेंस ले रहे हैं वो जो इवेंट है वो सबकी लाइफ में हो, जरूरी नहीं है। लेकिन इंश्योरेंस बहुत सारे पर्सन ले रहे हैं, सपोज 100% है और 100 के 100% ने इंश्योरेंस लिया, लेकिन उसमें से किसी एक या दो पर्सन की लाइफ में वो रिस्क अराइज हुआ, तो जो इंश्योरेंस था, जब सब पर्सन ने इंश्योरेंस लिया तो इंश्योरेंस में आपको क्या करना होता है, आपका जो पर्सन रिस्क ले रहा है दूसरा पर्सन आपको मेक गुड करने का, जो भी लॉस आपको हुआ है वो आपसे कुछ अमाउंट चार्ज कर रहा है, जिसे हम प्रीमियम कहते हैं। इन जर्नल बोले हम तो डेफिनेशन में हम नहीं जा रहे हैं या हम कोई लीगल टर्म्स में नहीं जा रहे हैं। इन जर्नल अगर हम बात करें तो इंश्योरेंस का मतलब क्या है, जो एक लेमैन समझता है कि मैं इंश्योरेंस अगर ले रहा हूँ तो इसका मतलब मैं इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और कॉन्ट्रैक्ट क्या कर रहा हूँ कि अगर मुझे इस इवेंट से, कोई भी इवेंट हो सकता है, एक्सीडेंट, फ्लड, फायर, अर्थक्वेक, अगर ये इवेंट होता है तो कंपनी मुझे एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी जो है वो पे करेगी। और कंपनी जो है, इंश्योरेंस कंपनी जो है, वो ये रिस्क ले रही है आपका, आप रिस्क उस पर अपना ट्रांसफर कर रहे हो, तो उसके लिए जो कंपनी है वो आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करती है, कुछ फीस चार्ज करती है, जिसे प्रीमियम कहा जाता है, जो पीरियोडिक इंस्टॉलमेंट्स में आप प्रीमियम उसे पे करते हो। तो हर एक पर्सन जो है जो इंश्योरेंस ले रहा है वो पैसा प्रीमियम की फॉर्म में कंपनी को दे रहा है। तो इंश्योरेंस क्या है? एक पूल ऑफ फंड्स है जो उन पर्संस के थ्रू बनाया जाता है जो सिमिलर टाइप ऑफ रिस्क को एक्सपोज्ड है। अब ये जो पूल बना, इस पूल में से जो भी पर्सन उस रिस्क से एक्सपोज्ड होता है उसको इस पूल में से हम जो पेमेंट है वो कर देते हैं, और जो एक्सपोज्ड नहीं हुआ उसका, अब इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है कि अगर आपका 1 ईयर का इंश्योरेंस है तो जो प्रीमियम आपने दिया, अगर 1 साल के अंदर आपको वो रिस्क एक्सपोज्ड आप उससे नहीं हुए तो वो प्रीमियम आपका खत्म है। लेकिन जब अगर हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं तो वो प्रीमियम का एक मैच्योरिटी पीरियड होता है, मैच्योरिटी पीरियड के बाद आपको वो जो अमाउंट है मिल जाता है वापस। तो जो कंसेप्ट जिसके ऊपर इंश्योरेंस बेस्ड है, दैट इज गुड फॉर्च्यून
बहुत सारे पर्संस का कंपनसेट कर देता है कुछ पर्संस के मिसफॉर्च्यून को। तो जो इंश्योरेंस कंपनीज है वो सेम प्रिंसिपल के ऊपर एस्टैब्लिश की गई हैं। इंश्योरेंस कंपनी जो बर्डन है उन पर्सन का जो उस रिस्क से एक्सपोज हुए हैं, उसके एक्सचेंज में उसे एक असेस्ड पेमेंट लेती है क्योंकि वो रिस्क ले रही है, और उस पेमेंट को हम कहते हैं प्रीमियम। हिस्ट्री ऑफ इंश्योरेंस अगर देखें तो लाइफ इंश्योरेंस की सबसे पहले बात करें तो इंश्योरेंस बहुत पुराना है इंडिया की हिस्ट्री में। इसके बारे में आपको सुनने को मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, बहुत सारे जो पुराने हमारे ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, उसमें आपको मिलेगा। ये इसके इंस्टांसेस कहीं आप इन द फॉर्म ऑफ मेराइन ट्रेड लोन्स या कैरियर्स भी अवेलेबल है इंडियन हिस्ट्री में। जो मॉडर्न कंसेप्ट है इंश्योरेंस का इंडिया में, वो शुरू हुआ था विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन 18th century। सम इंश्योरेंस कंपनीज ग्रेट ब्रिटेन से आई, उन्होंने स्टार्ट करना शुरू किया, इंश्योर करना शुरू किया ब्रिटिशर्स को जो इंडिया में काम कर रहे थे। जो फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी एस्टैब्लिश हुई थी वो हुई थी कलकत्ता में 1818 में, वो थी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। 1823 में बॉम्बे लाइफ इंश्योरेंस ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। वो लाइफ्स को इंश्योर करती थी लेकिन सिर्फ 2 से 3 साल के लिए। उसके बाद मद्रास इक्विटेबल कंपनी एग्जिस्टेंस में आई 1829 में, और बहुत सारी कंपनीज ने ट्राई किया बिजनेस इंश्योरेंस का एस्टैब्लिश करने का इंडिया में, लेकिन क्योंकि वो अनएथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी तो वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया इंश्योरेंस एक्ट 1817 में, और बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी एस्टैब्लिश हुई एज द फर्स्ट इंडियन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया। अब यहाँ पे आप एक चीज और देखेंगे, दो वर्ड्स होते हैं, एक वर्ड है इंश्योरेंस और एक वर्ड होता है एश्योरेंस। जो एश्योरेंस वर्ड है वो यूज हमेशा लाइफ इंश्योरेंस के लिए होता है। एश्योर करना मतलब ये चीज पक्का है, कंफर्म्ड है कि आपको अमाउंट मिलेगा, लेकिन जो इंश्योरेंस है उसमें एश्योरेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं वर्ड की हम, तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एश्योरेंस है, एश्योरेंस वर्ड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप नॉन लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके लिए इंश्योरेंस वर्ड यूज होता है, एश्योरेंस वर्ड यूज नहीं होता है। जो फर्स्ट स्टेचुटरी मेजर लिया गया था रेगुलराइज करने के लिए लाइफ बिजनेस को इंडिया में, वो लिया गया था 1914 में, जब गवर्नमेंट ने इनैक्ट किया था इंडियन लाइफ एश्योरेंस कंपनीज एक्ट 1912 में। 1928 में जो इंश्योरेंस कंपनीज एक्ट है वो इनैक्ट हुआ था, जिसने एम्पावर किया था गवर्नमेंट को कि वो कलेक्ट कर सकती है स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन बोथ लाइफ एंड नॉन लाइफ बिजनेस के लिए, जो भी इंडिया में ट्रांजैक्ट हो रहा है, चाहे वो इंडियन या फिर फॉरेन इंश्योरेंस जिसमें प्रोविडेंट सोसाइटीज हैं वो कर रही हैं। 1938 में जो भी पहले एक्ट थे उन्हें कंसोलिडेट किया गया और अमेंड किया गया इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रोविजंस हैं इस एक्ट में जो कंट्रोल करते हैं एक्टिविटीज की, जो एक्टिविटीज को जो इंश्योरर्स करते हैं। एक अमेंडमेंट इस एक्ट में किया गया 1950 में, जहां पर जो प्रिंसिपल एजेंसीज हैं उनको एबॉलिश कर दिया गया। देन 1956 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन इशू किया फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज, और जिसकी वजह से जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, जिसे LIC आप कहते हैं, वो एग्जिस्टेंस में आई। LIC में 245 इंडियन और फॉरेन इंश्योरर्स को मर्ज किया गया LIC में। 2000 में IRDA बनाया गया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका फुल फॉर्म है IRDA बनाया गया, जो एस्टैब्लिश किया गया और जिसने ओपन किया मार्केट इंश्योरेंस की प्राइवेट प्लेयर्स के लिए सेम ईयर में, और फॉरेन कंपनीज को अलाउ किया गया कि वो अप टू 26% ऑनरशिप फॉरेन की है जो वो रख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज जनरल इंश्योरेंस। इसकी हिस्ट्री भी आप ट्रेस कर सकते हैं 17th century में, और जनरल इंश्योरेंस जो है वो शुरू हुआ था ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑफ वेस्ट।
तो इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।